दोस्तों, अगर आपके मोबाइल से भी प्ले स्टोर डिलीट हो चुका है या गायब हो चुका है, आपको नहीं पता कि आपका प्ले स्टोर कहाँ चला गया है, तो भाई आप अपने प्ले स्टोर को बहुत इजीली वापस कैसे लाएंगे। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, बहुत छोटी सी वीडियो है। और भाई इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका प्ले स्टोर है ना, 100 नहीं पूरे 101% वापस आ जाएगा। तो चलिए बिना बकवास किए वीडियो शुरू करते हैं। चाहे आपका प्ले स्टोर कहीं भी चला गया या आपसे गलती से डिलीट हो गया, अनइंस्टॉल हो गया, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने मोबाइल की मैन सेटिंग्स को ओपन करना है गाइस। तो यहाँ पे चाहे आपके पास कोई सा मोबाइल हो, सब में ऐसे ही आपको करना है, आपका प्ले स्टोर बहुत इजीली वापस आ जाएगा। तो सभी सेटिंग्स में, सभी मोबाइल की सेटिंग्स में आपको एक ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ऐप्स मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट की लिस्ट में आ जाना है, जहाँ पे सारी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे जाएंगी। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है प्ले स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर आपके सामने आ जाएगा। देखिए ज़्यादातर मोबाइल में क्या होता है, अगर आपसे गलती से डिसेबल हो जाता है तो डिसेबल होते ही जो आपके मोबाइल से प्ले स्टोर गायब ही हो जाता है, ठीक है। और आप सोचते हैं कि भाई मेरा प्ले स्टोर डिलीट हो गया, तो देखिए अब इसे कैसे ठीक करेंगे। आप प्ले स्टोर यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, सर्च लिस्ट में आप सर्च कर लेंगे और गूगल प्ले स्टोर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अनेबल लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको आप पे अनेबल करना है, ठीक है। मेरे में डिसेबल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे डिसेबल आ रहा है, तो आपको यहाँ अनेबल लिखा मिलेगा, तो अनेबल पे क्लिक करना है। अनेबल पे क्लिक करते ही जो आपका प्ले स्टोर है वापस आ जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं, आपको नहीं मिल रहा है प्ले स्टोर का, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना क्रोम ओपन करना है। यहाँ पे देखिए ये टाइप करना है आपको, प्ले स्टोर अप टू डाउन, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए और सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, पहले पेज पे कहीं भी मिल सकता है, अप टू डाउन वाला ही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड जैसे आप करेंगे तो आपकी डाउनलोड लिस्ट में चला जाएगा, या फाइल मैनेजर में जाके भी इसे ढूंढ सकते हैं। और भाई आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉल देखिए यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से, मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं अभी नहीं करूँगा, आपको बताया इस तरीके डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे।